नमस्कार, आपका एक दफ़ा फिर से स्कोप इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड के चैनल में स्वागत है। स्कोप हाँ जो है हम लोग 1987 से इस कंपनी को चला रहे हैं और प्रोजेक्टर्स के बिजनेस में हमारे को सन 2000 से हम हैं और अप्रॉक्सीमेटली कोई 24 ईयर्स हमारे को प्रोजेक्टर्स का बिजनेस करते हो गए हैं। प्रोजेक्टर ऑडियो वीडियो विजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर में हमारे को डील करते हुए हो गए हुए हैं और हमारा जो ऑफिस है वो नेहरू प्लेस में इस्टेब्लिश है और नेहरू प्लेस में हम लोग 1990 से इस लोकेशन पे 105 सहयोग बिल्डिंग 58 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली 110019 पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारी स्पेशलाइजेशन ये है कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमने डिस्प्ले पे लगा रखे हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हैं सब प्रोडक्ट्स के, सो दैट कोई अगर आता है तो उनको चॉइस मिल जाती है प्रोडक्ट को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि प्रोजेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको कि मैं अगर डिटेलिंग अगर मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वर्बली तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको उसका एक विजुअलाइजेशन या उसका एक पिक्चराइजेशन जिसको कि हम लोग बोलते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ जी इसका क्वालिटी जो है अच्छी है या नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्टर्स की जो रेंज है वो 5000 रुपये से लेके 5 लाख और उससे भी ऊपर तक के प्रोजेक्टर्स जाते हैं, बट हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ जी इस प्रोडक्ट के अंदर में क्या क्वालिटी है। तो हम यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कर देते हैं, जो यहाँ पे आते हैं उनको अंडरस्टैंड करा देते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेशन करा देते हैं, सो दैट उनको द काइंड ऑफ मनी दे आर गोइंग टू स्पेंड, उनको वैल्यू फॉर मनी, उनका जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू उनको मिलने वाली है वो यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये हमारा कोर ऑब्जेक्ट रहता है कि जो भी कस्टमर आए वो सेटिस्फाइड होके जाए, सो दैट उसको उसका पॉकेट कितना है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है उससे मैटर नहीं करता। द मेन कंसर्न इज जो कस्टमर आता है वो सेटिस्फाइड होके जाए, उसको उसके बजट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मिल जाए, वो हमारे पास पूरी कैटेगरी हमने बना के रखी हुई है। हमारे पास प्रोजेक्टर्स जो हैं अराउंड 5000 से LED प्रोजेक्टर्स जो आते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हमने उनको कैटेगराइज कर रखा है कि 5000 से लेके 25000 तक का एक रेंज बना रखी हुई है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। फिर हमने 30000 से 75000 तक का एक कैटेगराइज कर रखा है प्रोडक्ट्स को, जिसमें कि बैंक्यू, व्यूसोनिक, एसर, एप्सन इस टाइप के जो ब्रांड्स आ जाते हैं, और फिर 75000 प्लस जिसमें कि फुल HD या 4K टाइप के जो प्रोजेक्टर हैं या लेज़र प्रोजेक्टर्स हैं वो कैटेगरी आ जाती है। तो हमने लोगों को बहुत इजी कर दिया अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको किस कैटेगरी के अंदर में जाना है, सो दैट लोग आराम से उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं जो आज आपको ये प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ ये व्यूसोनिक कंपनी का प्रोडक्ट है, इसका मॉडल है CPB701HDD। ये फुल HD प्रोडक्ट है विच हैज़ गॉट 20,000 इसका 20,000 आवर्स इसके लैम्प लाइफ है, 3,700 ल्यूमेंस NC ल्यूमेंस इसका रेजोल्यूशन इसका ब्राइटनेस है और ये होम थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है और नॉर्मल वे में भी जैसे स्कूल कॉलेजेस या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑफिसेस के या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि ये 300 इंचेस तक की जो स्क्रीन है बिना डिस्ट्रॉशन के अच्छे रिसेप्शन के साथ में हमारे को दे सकता है और इसका जो नेटिव रेजोल्यूशन है 1920x1080 है और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस प्राइस पे होम थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम प्रोडक्ट ब्रांड के अंदर में मिलेंगे, जस्ट 58,000 रुपीज़। और 58,000 रुपीज़ भी जो प्राइस है दिस इंक्लूड्स 28% GST। अगर कोई व्यक्ति GST क्लेम करना चाहता है तो आप निकाल लीजिए कि इसका 1/4 जो है वो आपका GST में आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो इसकी कॉस्ट आपको 1/4 रिड्यूस हो जाएगी। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट का डिस्प्ले जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको इस प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्चुअल में क्या है वो समझ में आ सके। मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ आपके लिए। ये सबसे पहले इसमें एक रिमोट है और पावर केबल है और ये एडिशनल पावर केबल दे रखी हुई है 2 पॉइंट के साथ में, ये 3 पॉइंट वाली है और ये हमारा प्रोजेक्टर आ गया।
बहुत सॉलिड पैकिंग होती है इसकी, कहीं पे भी हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज होने का चांस नहीं रहता। इसकी बहुत ही सॉलिड इसकी पैकिंग होती है, बहुत ही प्रोटेक्टेड रहता है पूरा का पूरा ट्रैवलिंग में। और वाइट कलर में है ये, क्रीम कलर, नॉट प्योर वाइट, क्रीमिश कलर में है ये। और यहाँ पे इसके अगर आप देखेंगे तो ये जूमिंग के लिए है, ये जूमिंग के लिए है और ये फोकस के लिए है, जिसको कि हम क्लैरिटी जब हम इसकी कर लेते हैं। और ये सारे इसमें इसके सारे ऑपरेशंस हैं यहाँ पे, ये यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। और अगर हम इसके बैक साइड में देखेंगे तो इसमें दो HDMI पोर्ट हैं, एक USB पोर्ट है और ऑडियो आउटपुट है, ऑडियो इन है, ऑडियो आउट है, RS232 का पोर्ट है और ये आपका पावर पॉइंट हो गया। और ये इसका फ्रंट आ गया। तो इसके डिस्प्ले के अंदर में ग्रेजुअली एटलीस्ट 5 to 10 times का डिफरेंस मिल जाता है अगर हम लाइट में देखते हैं और लाइट डिम करके देखते हैं। और अब मैं इसकी लाइट जो है वो और फर्दर रिड्यूस कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका जो रिसेप्शन है, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो एकदम डिफरेंट हो गई है। जैसा कि आप पिक्चर मूवी हॉल्स में जाके PVR में या कहीं और जाके मूवी देखते हैं तो बिल्कुल उसी टाइप का आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। अगर आपका साउंड सिस्टम, आपके साउंड इफेक्ट्स अगर आपने अच्छे डाले हुए हैं इसके साथ में, तो आपको पूरा का पूरा मूवी का एंजॉयमेंट जो है इससे मिलने वाला है। अब मैं आपको एक PPT दिखा रहा हूँ। PPT में भी इसका जो रिसेप्शन है आप देख सकते हो कि कितना एक्सीलेंट रिसेप्शन आ रहा है। ये देखिए, ये PPT में जो ये रिसेप्शन है, बहुत ही नेचुरल कलर्स आ रहे हैं इसमें, बहुत ही क्लियर है। ये देख रहे हैं आप, तो इसकी आउटपुट PPT में देख लें या हम PDF में देख लें, एक्सीलेंट आउटपुट देगा। एक एक वर्ड जो है वो बहुत ही क्लियर कट हमारे को दिखता है। और इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली, कंपनी क्लेम करती है इसकी हम अराउंड 300 इंचेस तक की स्क्रीन जो है हम बना सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रॉशन के। बट अच्छा रहेगा कि इस पर अगर हम 200 इंच तक की ही स्क्रीन लें, क्योंकि 200 इंच की स्क्रीन भी छोटी नहीं होती है, बहुत ह्यूज साइज होता है 200 इंच की स्क्रीन का। अभी एक हम आपको नॉर्मल, जैसे एक स्ट्रीट वॉक है, स्ट्रीट वॉक का एक छोटा सा डिस्प्ले हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे बने हुए हैं, है ना, और डिफरेंट कलर्स जो हैं वो कितने नेचुरल दिख रहे हैं यहाँ पे। जो लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं उनके कलर्स आप देख सकते हो, उनके कलर्स बड़े नेचुरल हैं यहाँ पे। जैसे पक्षी भी आप देख रहे हो, तो बहुत ही क्लियर कट इसका डिस्प्ले आता है। कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं आपको लगेगा कि बड़ा कलर जो है वो बहुत ब्राइट हो रखे हुए हैं या आँखों को चुभ रहे हैं। बहुत ही सूदिंग, जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही सूदिंग कलर्स हैं इसके जो आउटपुट है, बहुत ही सूदिंग आउटपुट है इसकी। क्योंकि अभी ये शूटिंग हो रही है कैमरा के साथ में, तो कैमरा के साथ में 100x100 का जो आउटपुट है वो आपको नहीं मिल पाता। तो अगर आप इसको प्रोडक्ट को अगर अपने चला के देखेंगे तो इसकी जो आउटपुट अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, इससे कई टाइम्स ज़्यादा जो है इसकी आउटपुट आपको ओरिजिनली देखने को मिलेगी। अब आपने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी देख ली है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी क्वालिटी अच्छी लगी होगी। क्योंकि कैमरा से रिकॉर्डिंग करके हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो हो सकता है कि जो इसका एक्चुअल रिसेप्शन है वो आपको
समझ में नहीं आए तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये प्रोडक्ट समझ में आता है, अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप हमारे यहाँ पे आइए, हम आपको फिर से इसका डेमो जो है वो करके दिखाएंगे, सो दैट आप इस प्रोडक्ट को रियल टाइम में देख सकेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है। अगर हम ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स की बात करते हैं तो उनकी जो प्राइस रेंज है अप्रॉक्सीमेटली कोई 28,000 ऑनवर्ड जो है वो शुरू हो जाते हैं और काफ़ी आगे तक जाते हैं इसकी प्राइजेस। डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। होम थिएटर के लिए आजकल जैसे अल्ट्रा शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर जो हैं वो अराउंड 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ऊपर उनकी जो रेंज है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का प्रोजेक्टर जो है आप पसंद करते हो उसके ऊपर आती है। लोगों के मन में कई दफ़ा ये क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सा प्रोजेक्टर खरीदें, क्या हम अपने जो प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू करेक्ट है, क्योंकि हम लोग एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखते हैं प्रोजेक्टर जो है 3,000, 4,000, 5,000 से शुरू हो जाते हैं और 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है, ब्राइटनेस का डिफरेंस आता है कि और साथ में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइस जो है वो मैटर करता है। फिर रेजोल्यूशन कितना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के रेजोल्यूशन के ऊपर भी प्राइसिंग जो है वो मैटर करती है। जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको ये प्रोडक्ट बताया LW650, तो ये लेज़र प्रोजेक्टर है, तो ये लेज़र प्रोजेक्टर और नॉर्मल जो चाइनीज प्रोजेक्टर्स जो आते हैं 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये के जो आते हैं उसका और इनका कहीं पे भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो आउटपुट है और इसकी जो आउटपुट है और उसकी जो लाइफ है और इसकी लाइफ है उसके अंदर में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग ऑफिसेस के लिए या होम सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने होम थिएटर्स बनाने हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि जो आपने डेमो देखे हैं ये डेमो आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं हमारे यहाँ पे स्कोप इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड, 105 सहयोग बिल्डिंग, 58 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हैं, हम आपको इसका डेमो दे सकते हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से और भी दूसरी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो भी हम इसमें कर सकते हैं। थैंक यू।